गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं आ गई हूँ मेरे घर पे, तो आप मुझे देख सकते हो। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड। मतलब आप देख रहे हो मेरे मुंह से हवा निकल रही है ना। कल इतने सालों बाद मैंने सर्दियों में ऐसे देखा, क्योंकि इतनी सर्दी में मैं यहाँ भी नहीं रही थी। सुबह के 7:15 बज रहे हैं, 7 बज गए वैसे। मम्मी चाय बना रही है, मैं उठ गई हूँ, ब्रश वगैरह सब कर लिया है। तो चल के देखते हैं बाहर यहाँ कैसा है। वहाँ तो मैं 7 बजे घर से निकल जाती हूँ। ओ भगवान, गॉड, यहाँ बहुत ठंड है। और तेरी किया तो कोहरा हो रहा है बढ़िया करके। दिखाती हूँ, देखो गाइस यहाँ तो क्या हाल हो रहा है कोहरे का। ये नज़ारा भी मुझे मेरे घर पे ही देखने को मिलता है। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हवा चल रही है, बहुत पूरी हवा चल रही है। मैंने तो ये प्लान करा था कि हम लोग देखने जाएंगे 26 जनवरी, बट कोई 26 जनवरी नहीं देख पाएंगे। इतना कोहरा हो रहा है और पूरी धुंध हुई पड़ी है। पता लग रही है कहीं ऐसे करके लगा ले। अंदर गर्म पहन रखा है ऐसे तो। कल मैंने सिर्फ इनर पहने रखा तो ठंड सी लगती ही रही। वैसे ठंड तो भी लग रही है बाहर, इतनी कैड़ी हवा चल रही है और कुछ कोहरा हुआ पड़ा है। और यहाँ सो रहे हैं 3 जने। अरु अरु तो 2 दिन से इतना परेशान कर रही है ना, रात भर बार बार जगना जगना ऐसे करती रहती है और बहुत नींद खराब करती है। तो मम्मी ने अभी उसको बोतल में दूध दे दिया, वो पी लिया उसने, वो बस सो जाएगी। हमने कर लिया ब्रश वगैरह, मम्मी बना रही है चाय, सुबह की चाय, रात का दूध मैं कभी खुद से नहीं करती। यहाँ पे बैठ जाओ, रजाई में ठंडी ठंडी हो रही है। और कल फाइनली फाइनली पूरे 1 साल बाद मेरी सैलरी आई। मतलब अभी मेरे एरियर नहीं आया है, जो मेरी दिसंबर की सैलरी है वो आई है अभी। तो इतना अच्छा लगा ना कि बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैसेज आ रहा था कि एक का सैलरी क्रेडिट हो गई, तो अब मेरे पास मैसेज नहीं आता, मुझे दोबारा से शुरू कराना पड़ेगा सैलरी स्लिप। मतलब बहुत सारी टीचरों की आनी बंद हो गई है। तो एकदम से जब मैंने अपना अकाउंट चेक करा ना सैलरी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। आज लोग को पार्टी भी दूंगी, पिज्ज़ा पार्टी दूंगी। चाय नाश्ता आ गया हमारा। घर पे भी वैसे मैं इस तरह से तो कर लेती हूँ, 6:30 बजे तक घर पे भी खा, 6:30 7 पे कर लेती हूँ 7 बजे। पर अभी मैं बस उठी हूँ, मैंने ब्रश किया, मैं फ्रेश अप वगैरह नहीं हुई हूँ। तो चाय पी लेते, कोई बात नहीं, या तो हम पी लेते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में, बाय बाय। सो यहाँ रू को पूरा स्पेस मिला था खेलने के लिए, तो यहाँ हमने 3 दिन पूरी धूप ली। वरना मैं स्कूल में रहती हूँ, मुझे भी धूप नहीं मिलती और उनको भी कोई धूप नहीं मिलती है। यहाँ मतलब जैसे कहते हैं पूरी धूप हम ले रहे थे और रू पूरा खेल रही थी। और ये नीचे के बच्चे हैं, किराए पर रहते हैं हमारे यहाँ पे। और नानी भी आई हुई थी मेरी, एक्चुअली ये मेरी नानी लगती हैं। और मतलब ये मेरे भैया की वाइफ भी हैं, ये उनकी बेटी है, बहुत छोटी सी देखी थी मैंने। तो हम सारे धूप ले रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। हारू तो पूरा एंजॉय कर रही थी। मतलब यहाँ मुझे ऐसा लगा कि धूप जैसी कोई चीज़ है जो मुझे मिल रही है। सो फाइनली अब शुरू होता है शादी का व्लॉग। मैंने पूरा व्लॉग जो है एक ही फ्रेम में बनाया है, मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी और काम इतना ज़्यादा था। तो ये लगन वाले दिन का है, इनकी लगन लिखी गई थी। मैं स्कूल गई थी, तो मैं स्कूल से आ गई थी उस दिन। मैंने छुट्टियाँ नहीं करी शादी में, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी कर पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत काम था स्कूल का भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं स्कूल से आ गई हूँ, आज जल्दी आई हूँ, और घर से भी आ गई थी। भैया बहुत ठंड थी इस बार, तो कान पकड़ लिया, दोबारा ठंड में कभी घर नहीं जाना। तो आज मैं इसलिए जल्दी आई हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी है मंडे की, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है।
अलका की शादी है और आज उनकी लगन लिखी जाएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि इस वक्त एग्ज़ाम का टाइम है ना, तो डबल शिफ्ट चल रही है स्कूल में। तो आज मैं बोलकर जल्दी आई हूँ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आज भी मुझे भेजा था। कम से कम ये अपनी ड्यूटी हो गई, सैलरी बन गई, अब उसको घर का काम कर लेंगे। मैं छुट्टी लेने वाली हूँ सिर्फ सोमवार और मंगल की, क्योंकि फिर संडे भी पड़ रहा है और मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, तो दो दिन और एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम आज उनकी लगन लिखी जा रही है, एक्चुअली उनका रिसेप्शन है, उनकी सगाई नहीं हो रही है, तो सारा सामान हम आज ही लेके जा रहे हैं। तो अभी मैं तैयार होंगी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, पूरा जो भी वैसे वहाँ का गेट टुगेदर होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और अब जल्दी जल्दी मेरे घर में आपको शादी के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ खास तैयारी नहीं करी है शादी को लेकर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इधर उधर मैं स्कूल के कामों में इतनी लगी हुई थी, मतलब इतना काम मैंने किया है स्कूल का भी कुछ दिनों में। और ये जो फरवरी मार्च का टाइम होता है ना, इतना हेक्टिक टाइम होता है कि इसमें इतना काम होता है ना स्कूल में, जुलाई अगस्त सितंबर और ये जनवरी फरवरी मार्च हद मार काम होता है इस वक्त। डबल शिफ्ट भी ड्यूटी करनी पड़ती है, सुबह 7:30 से शाम के 6 बजे तक स्कूलिंग करनी पड़ती है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था, इस बार मैंने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि मैं शादी में साड़ी पहनने वाली थी। और ये ज्वेलरी ये दीपा से मैं लेकर आई थी इयरिंग्स, और इसमें से एक इयरिंग्स मेरा खो गया उसी दिन, गाड़ी में निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला, तो इनका तो मुझे बहुत दुख है। बट इनमें टीका है एक, तो वो सेम इयरिंग्स जैसा है, तो मैं उसका इयरिंग्स कन्वर्ट करवाने वाली हूँ। अरु को मैंने ये ड्रेस पहनाई थी और पहली बार मैं किसी फंक्शन में सिर्फ सूट पहन के जा रही थी, बट ये सूट मैंने इसीलिए ख़रीदा था। और तैयार भी मैं काफ़ी अच्छे से हो गई थी, बट उस दिन पूरा तैयार में अंधेरे में होना पड़ा क्योंकि जो लाइट थी वो भाग गई थी, तो इसलिए फटाफट, थकान भरा दिन था। हम उनके घर पहुंच गए थे एक्चुअली, और मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि शायद यहाँ से कुछ लग गया था मेरे फेस पर। पहले मुझे लगा कि शायद मेकअप हटाए, पर ऐसा नहीं था, कुछ लगा ही था। और उस दिन मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी मेरे तैयार होने से, क्योंकि मतलब अंधेरे में भी मैंने इतना अच्छा तैयार में खुद को कर लिया था। उधर ये अरुण ने एक्चुअली, हमने सब ने ब्लैक ब्लैक ही पहना हुआ था, जाता सबका जो ड्रेस था वो ब्लैक हो गया था, इवन अजय का भी जो ड्रेस है वो ब्लैक हो गया था, बस अरुण हमारी कलरफुल हो रही थी, फुल इंजॉय कर रही थी। क्योंकि उसको कोई भी जगह ऐसी मिलती है ना जहाँ पे वो, ये मतलब ये अलका का ही रूम है एक्चुअली, इसी में बाद में सामान सेट हुआ था। ये मेरा बीच वाला देवर है, अभी इन्हीं की शादी का नंबर है, देखते हैं कब तक उनकी है शादी, में भी शायद जल्दी इनकी शादी में निपटाएंगे हम लोग। हमारे नाश्ते पानी का इंतज़ाम हो गया था एक्चुअली, हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, मैं अरुण और अनुज, और जो बाकी लोग आने वाले थे वो हमसे लगभग 2 घंटे बाद पहुँचे थे, जिसकी वजह से सारे काम लेट होते चले गए थे, वरना बहुत टाइमली सब कुछ हो गया था। तो हम इतने नाश्ता पानी करने लगे क्योंकि भूख भी लगने लगी थी, और मैं तो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी उस दिन भी क्योंकि स्कूल गई हुई थी। और वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी, बहुत ज़्यादा नाचने गाने कर रही थी, बाद में वो म्यूज़िक सिस्टम भी चला लिया था जो पीछे रखा था, तो उसने बहुत इंजॉय करा, बहुत डांस करा। तो अब है बारी इनकी लगन देने की, तो उन्होंने टीका भी करवा लिया था। वैसे तो ये सब काम तब होते हैं जब सगाई चढ़ती है, बट क्या था कि इन लोगों को रिसेप्शन करना था तो इसलिए सगाई नहीं चढ़ाई थी। बहुत ही कम लोग थे, मतलब हम लोग थे, बच्चे बच्चे लोग थे, और उनके भी जो बिल्कुल फैमिली के ही लोग थे, परिवार के लोग थे वो थे, मतलब बाहर से कोई भी ऐसा नहीं बुलाया गया था, ना उन लोगों ने बुला रखा था और ना हमारी तरफ से कोई गए थे, क्योंकि शादी और लगन में काफ़ी टाइम था और इतने पहले अब पहले मेहमान आ जाया करते थे, बट अब कोई भी नहीं आता है क्योंकि सबको पता है 5-5, 6-6 दिन पहले कोई कहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि इतना टाइम कोई भी मैनेज नहीं कर पाता अब। तो अरुण घर में सबसे बड़े हैं, तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ये अरुण पूरे करते हैं, और बाकी जो लड़की हो वाली जिम्मेदारी है वो मैं पूरी कर देती हूँ, तो ये सब काम तो अरुण को ही करने होते हैं। बाकी ये रिचुअल्स हैं जो सही लगते हैं, मतलब टाइमली अगर हो जाएँ, अच्छे से हो जाएँ तो सब सही रहता है, इनमें कुछ गड़बड़ होती चली जाए तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सब काम बड़े आराम से हो गया, हमने उनकी लगन सगाई जो है वो चढ़ा दी थी, और सारा सामान हम लगन पर ही लेकर गए थे, टोटल सारा सामान हमने लगन पर दे दिया था, बट क्या वजह सिर्फ लड़की बची थी हमारे पास जो शादी में आ गई थी। तो अरु और चीकू बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और ये दोनों भाई तो बिल्कुल सेम ही लग रहे थे, अंकित और अरुण, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा सेम थे। अरु को हमारे कैप का तो ये है, पूरा दिन कैप लगा के रखती है, और उसकी कैप हट भी जाए तो खुद से कैप लगा लेती है। ये अर्चना है, और ये सारी वो चीज़ें जो हमने उनकी फैमिली को दी थी, जो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, जैसे मम्मी के लिए और बहनों के लिए कुछ चीज़ें दी जाती है एज अ गिफ्ट जो उनको दिया जाता है, ये वो था। बाकी अजय का सारा सामान जो था, जो हमें अजय को देना था, वो हमने बरौठी के लिए रखा हुआ था, जो आप आगे वीडियो में भी देखोगे। उसमें क्या होता है कि जो जैसे ही लड़का मतलब आता है, भाभी जी का करती है, तो उसके बाद उनको सारा सामान हमने दिया था, और जो कपड़े वगैरह जितना भी सब कुछ था वो हमने यहीं पर ख़त्म कर लिया था।
बारी आती है खाने पीने की। खाना इन्होंने घर पर ही बनाया हुआ था, बट बहुत स्वादिष्ट खाना था। मतलब जैसे कहते हैं ना, खाने में टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। आज अभी पूरी तरह से लगे हुए थे खाना खिलाने में, और सबको इस वक्त तक काफ़ी गर्मी लगने लगी थी। गर्मी तो मुझे भी बहुत लग रही थी उस वक्त पे, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया। तो हमने खाना पीना शुरू किया था, भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी थी। 6 बजे का टाइम हो गया था, 5-6 बजे का टाइम था, भूख भी लग रही थी। और मैंने तो छक्कर खाया था, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। क्योंकि आप बाहर हलवाई से कितना भी बना लो जो, बट घर के फ्लेवर होते हैं ना, वो बाहर से आ नहीं पाते। जितना आप घर का खा लेते हो, उतना बाहर का नहीं खा सकते। उधर जो अजय थे वो खाना वगैरह खिला रहे थे, इसी तरीके से अरुण हमारे खिलाते हैं सबको। तो कुछ चीज़ें मुझे अजय की लग रही थी अरुण जैसी, कि उनके अंदर भी हैं थोड़ी सी। और उनके जीजा भी जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, मतलब काफ़ी वो काम देख रहे थे। उनके दीदी जिया जी काफ़ी काम देखते हैं, उनके घर का बड़े हैं शायद वो, मुझे इतना वैसे पता नहीं। शायद अजय सबसे छोटे ही हैं, और बाकी जो है वो बड़े हैं इनके घर में। सैलेड वगैरह सबको, मतलब प्रॉपर इन्होंने बहुत अच्छे से खिलाना पिलाना बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी। और सारा जो खाना पीना था सच में बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, जबकि खाने का टाइम नहीं रह गया था, सब ऊपर नीचे हो गया था खाने का टाइम, बट फिर भी मैंने तो बहुत खाया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगने लगी थी। इधर ये अर्चन और चेतन, इनका भी मतलब जोड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। इधर जो अरु और चीकू डांस करने में लग गए थे। अरु तो हमारी बहुत ही नाचती है, मतलब बहुत ज़्यादा नाचती है, इतना मटकती है ना वो, और काफ़ी मतलब पसंद करती है डांस करना। जितना मतलब उसकी मम्मी भी बहुत डांस करती है और वो भी बहुत डांस करती है। इनके घर में यही ये है जो डांस करती है। उधर अरुण को भी नहीं आता इतने अच्छे से, बाकी किसी फैमिली मेम्बर को भी नहीं आता, बट अरु काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है अभी से भी। तो वो 1.5 साल की है, इतना मटक लेती है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ वो नाच रही है, इतना तो हो ही जाता है। बाकी चीकू और वो तो काफ़ी अच्छे से खेलते रहते हैं। चीकू और वो एक मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं, उसको ये फील होता है कि वो मेरा बड़ा भाई है, उसके साथ खेलेगी, लड़ लेगी, कभी गले लगाएगी, कभी वो गुस्सा करेगा तो उसको हाथ भी नहीं लगाने देती, मतलब इस तरीके से उसकी हरकतें रहती हैं। बट जब तक चीकू रहता है वो काफ़ी इन्जॉय कर रही होती है हर चीज़ को, जो अच्छा भी है, मतलब भाई बहन का प्यार है ये तो। अरु इसको आंख में मत मार लेना बेटी। हाथ रख लो छोटे बाबू के ऊपर। चलो हल्दी लगाते हुए एक फोटो ऐसे हाथ से उठ के लेकर जाएगा। किस बाथरूम में रखी है? उधर क्यों उधर उधर रखी है ना? नहीं नहीं बाथरूम में ही है, अभी लगाई थी ना हल्दी। लगाते हुए फोटो ये मेरे पास खड़ी हो जा फेस पे। मैं फेस पे नहीं, हाथ डालो हाथ पे। फेस पे वो तो सिर्फ फोटो तो खिंचवानी है, तो हाथ में हल्दी थोड़ी है। ठीक है, एक एक ऐसे दोनों हाथ, दोनों हाथ लगा दो गालों पे, ऐसे हल्दी दोनों हाथ से लगाते हैं जैसे, थोड़ा पास हो जाओ बस। ठीक है, एक ठीक है, चलो जाओ आप नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट खींचो खींचो खींचो। अरे देखो अरे देखो अरे देखो चल ना जल्दी जल्दी करो। हाँ लो बाबू
बस ठीक है, दोनों ऐसे सामने की तरफ दोनों हाथ से लगाओ, नीचे भी नहीं बोला हाथ ही, हाँ चेहरा से ये शादी से एक दिन पहले का है, जिस दिन पूजा का सामान बनता है उस दिन भी बहुत ज़्यादा हम तो थक गए थे। इस दिन कढ़ी वगैरह बनती है तो मेरे फ्लोर पे ही कढ़ी बन रही थी, नीचे खाने वाली अलग खाना बना रही थी, पूजा का सारा सामान अलग बन रहा था। तो ये कढ़ी वढ़ी बनाने में हम लोग लगे हुए थे उस दिन भी, मतलब काफ़ी थकान हो गई थी उस दिन, बर्तन धोने वाली भी नहीं आई थी और बहुत बर्तन हो गए थे कट्टे धोने के लिए। तो अरुण भी इधर उधर लगे हुए हैं, शादी से एक दिन पहले का दिन है, वैसे तो ये शादी वाले दिन ही होता है बट एक दिन पहले यहाँ पर सब ने घर ख़त्म कर लिया था इस काम को कि एक दिन पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। अरुण भी लगे हुए थे सुबह से शाम तक, कभी कुछ डालने में, कभी कुछ कपड़ा वगैरह करने में। और ये है हल्दी का, मतलब हल्दी का में भी शायद ये शादी वाले दिन का, हाँ ये शादी वाले दिन का ही है, जब बिल्कुल मामा कुछ रस्म सी करते हैं तो ये उस समय का है। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, उसके बाद फिर अलका जाने वाली थी पार्लर वगैरह के लिए, तो ये वाला काम भी जल्दी ख़त्म कर रहे थे कि थोड़ा सा काम है इसको ख़त्म करके और बाकी कामों के लिए आगे बढ़े। इस काम को शायद मामा ही करते हैं, हाँ मामा ही करते हैं इसको, शायद पटरी खिसकाने कुछ ऐसे बोला जाता है इसमें, जितने जो 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 लेडीज़ हल्दी चढ़ाती हैं उनका रोल होता है, मतलब मैं भी इसमें इंक्लूड थी, ये आसपास की लेडीज़ हैं। बरखा दीदी का पकड़ियो पकड़िए, ऐसे पकड़ियो का भाई, चले इधर भाई, thank you।
बना रही है, इसमें कहाँ बनाना है। शादी वाले दिन भी जाने वाली होती है, कैसे कैसे होती है बस। और उसके अगले दिन की विदाई के बाद तो स्कूल जाना पॉसिबल नहीं था, तो उससे अगले दिन तुरंत स्कूल पहुंच गई थी। और उस दिन बस ये मैंने ड्यूटी हटवाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। तो ये है कि फाइनली इन दोनों की शादी हो गई, सब ठीक है, सब अच्छा है, अब तो ये रहने भी आ गई हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा जो मेरा आपको एनिवर्सरी व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी भी आ गई है। लगभग शादी को मेरे 7 साल पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी के साथ 7 साल पूरे हो गए। तो मैं आपसे अपना एनिवर्सरी व्लॉग भी शेयर करूँगी। और इन दोनों के लिए मेरी ब्लेसिंग है कि दोनों अच्छे से रहे, कभी इनके बीच में कोई दिक्कत ना हो। छोटी मोटी तो सबके बीच में चलती रहती है, मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा ना हो कि इन दोनों को परेशान होना पड़े। थोड़ा बहुत जो हो वो टाइम से सॉर्ट आउट हो जाए और सब अच्छे से रहे, और ये दोनों भी अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करें और सब अच्छा बना रहे। आई विश आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय गाइस, टेक केयर।